हौसलों के तरकस में कोशिशों के वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हैं बिहार के नालंदा में, हरनौत प्रखंड के अंदर ये सिरसी गांव आता है, वहीं पे मनिंद्र जी का बकरी फार्म है। यहीं पे आज की विजिट मनिंद्र जी के पास है। इनके फार्म का अपडेट लगभग 4 महीने पहले आपको मैंने दिया था, जो पहला वीडियो मैंने बनाया था। इन 4 महीनों में क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या और इनके पास बढ़ोतरी हुई है, ये जानने के लिए आज फिर से हम इनके पास पहुंच गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का पैतृक निवास यहाँ से जस्ट बगल में है, जिसको कल्याण बीघा कहते हैं। काफी अच्छे से इस फार्म को संचालित कर रहे हैं और काफी वेल मैनेज्ड वे में काम को कर रहे हैं। काफी एजुकेटेड पर्सन है। अभी हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बकरी पालन कैसा व्यवसाय है, आने वाले भविष्य में ये लोग अगर कोई करना चाहे तो उनके लिए फायदेमंद होगा या नहीं। तमाम तरह की जानकारी आज बकरी पालन से संबंधित आपको यहाँ आज मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मतलब मैं फॉर्म में आया विजिट करने के लिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 4 महीने पहले मनिंद्र जी हम आए थे यहाँ। अभी बहुत कुछ चेंजेज यहाँ लग रहा है, जैसे कि अभी बगल में हम देख रहे हैं ये जो आप दिए हुए हैं, ये तमाम तरह की जानकारी आप बताइए कि लगभग 4 महीने में क्या क्या अपडेट्स आपके पास हैं वो बताइए। अब तो पिछली बार मतलब जब आए थे तो मतलब आप यहाँ से देख चुके हैं कि हमारे पास से सिर्फ बकरियाँ का मतलब रहने सहने का व्यवस्था किस तरह से था, और वो 4 महीना और अभी में मतलब कुछ परिवर्तन हम किए हैं, जो कि मतलब हमको जैसे जैसे समझ में आते गए उसको हम सुधार करते गए। तो जैसे आप देख लीजिए, अभी ये जो हमारा मतलब साइड में बकरियाँ को जो बरसात के समय में जो नमी नीचा ज़मीन जो है वो गीला हो जाता है बरसात के समय में, तो उसके लिए मतलब हम व्यवस्था किए हैं ये तार का गुद्दी मतलब जो होता है तार का जो लकड़ी है उसको गुद्दी लोग बोलते हैं, उस लकड़ी को मतलब हम ला करके और ये दो साइड से इसका व्यवस्था कर दिए। ये लमसम में लाइक साइड से मतलब 20 फीट और दूसरी साइड से 25 फीट के आसपास में ये देख लीजिए इस तरह से बना हुआ है, और सारी बकरियाँ हमारी जो भी है खाना चारा मतलब जो खाना वगैरह खा करके वो इस पर आराम से बैठती है, और इसके लिए मतलब हम फैन वगैरह भी लगाए हुए हैं ताकि इसको मतलब दिक्कत ना हो गर्मी का मतलब मौसम में, या अभी का जो बरसात के समय में जो गर्मी होता है उमस टाइप का मतलब गर्मी होता है, तो फॉर्म का जो गेट वगैरह है बंद रहने के कारण मतलब थोड़ा सा गर्म तो हो ही जाता है सेट, तो इसके लिए हम फैन का व्यवस्था किए हुए हैं, और ये लोग के लिए मतलब अच्छा सहूलियत और अच्छा महसूस करती हैं जो भी बकरियाँ जो इस पर है, तो ये सब सारी व्यवस्था मतलब किए हैं। और वेंटिलेशन का क्रॉसिंग में जो देख रहे हैं बरसात के समय में ये सब जो है बोरा लगा हुआ पर्दा मैंने लगा हुआ होना चाहिए ताकि जरा सा भी मतलब मैं बाहर से मतलब नमी आ रहा है तो उसको पर्दा को मतलब आप गिरा दीजिए, और फिर बारिश ही ख़त्म होने के बाद उसको पर्दा को उठा लिए, थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है इस पर। ये सब ग्रोथ मतलब हम किए हैं। जो ये बकरी फार्म है इसकी शुरुआत लगभग आप अप्रैल 2020 में किए थे जैसा कि मुझे पता है, उस समय कितनी बकरियां थी आपके पास? वो 17 बकरियां से मतलब हम स्टार्ट किए थे, और अभी वर्तमान में और अभी हमारे पास है 36 बकरियां मतलब ही हमारे पास है, बड़ा छोटा जो भी है मिला करके 36 बकरियां हैं। कौन कौन सा सर इसमें कौन कौन से ब्रीड है? इसमें हम लोग का मतलब ब्लैक बंगाल है जो हम लोग का क्षेत्रीय मतलब जो बकरियाँ होती हैं नस्ल का वो ब्लैक बंगाल है, और बर्बरी भी हमारे पास है, और ब्रीडर हमारे पास मतलब ये बर्बरी है इसका तो जमुनापारी और सिरोही का मतलब जो भी है क्रॉस है, हाँ क्रॉस ब्रीड है। ये ब्रीडर जो है अभी जैसा कि देख रहे हैं कि एक उधर है और एक ये, कौन कौन से ये कौन से नस्ल की है दोनों? ये क्रॉस ही नस्ल का मतलब ये है, लेकिन इसका प्रजाति मतलब बड़े प्रजाति का मतलब ये है मिक्स में ही है, और वो दूसरा साइड में जो देख रहे हैं वाइट वाले तो वो जो है मतलब जमुनापारी और सिरोही का मतलब क्रॉस मतलब वो ब्रीडर है वो। ये पहला ब्रीडर हमारा मतलब वही था और इसको फिर सेकंड दूसरा मतलब ये लाए हैं। लगभग ये शेड कितने एरिया में बना हुआ है? वो 1000 स्क्वायर फीट में मतलब ये बना हुआ है, 50 फीट इसका लंबाई है और 20 फीट चौड़ा है, और ये जो डायरेक्शन है पूरब से पश्चिम, ये पूरब से पश्चिम इसका डायरेक्शन में मतलब ये है। ये एक चीज़ हम हमेशा देखते हैं मनिंद्र जी की, जितने भी फार्मर हैं तो वो जो शेड बनाते हैं वो पूरब से पश्चिम ही बनाते हैं, इसका कारण क्या है?
देखिए ये मतलब इसका मतलब सबसे शुभ माना गया है, और ख़ास करके मतलब बकरियां का मतलब जो भी फार्म बनता है सीड, वो पूरब और पश्चिम का दिशा मतलब होना चाहिए, इसलिए कि डायरेक्ट इसको सूरज का रोशनी मतलब बकरियां पे ना पड़े, और हवा जो चलता है ऐसे नेचुरली भी मतलब है पूरब और पश्चिम का ज़्यादा हवा हो या बारिश हो तो उससे बचने के लिए, यदि आप पूरब और पश्चिम का सीड यदि आप बना चुके हैं तो जो भी है मतलब उत्तर और दक्षिण दिशा में मतलब जो आप हवा क्रॉसिंग का मतलब जालीदार बनाए हुए हैं तो उसमें बारिश से का आने का मतलब संभावना कम रहता है, और इसलिए मतलब मैं पूरा और पश्चिम दिशा का मतलब बढ़ाने का मतलब ये है। लगभग एक वर्ष से ज़्यादा आपको हो गए बकरी पालन करते हुए, कैसा लग रहा है अब? देखिए स्टार्टिंग में तो मतलब हम एक जोश में किए थे, लेकिन फिर बीच में मतलब लोगों को मतलब कन्विंस से थोड़ा सा डिमोरलाइज भी अपने आप में मतलब महसूस होता था, तो लेकिन फिर लगा कि नहीं ये एक हम धंधा के बिजनेस के तौर पे मतलब किए हैं और एक अच्छा बिजनेस है, तो मतलब उसमें अभी हमको अच्छा लग रहा है। ठीक है जी जी, ग्रोथफुल है, बढ़िया है, बशर्ते इस पर अब किसी भी चीज़ को धंधा मतलब आप करते हैं, जैसे हम लोग किसान नहीं है तो किसान का आज भी साथ धान का रोपनी का वगैरह का मतलब ये है, आप उस पर अच्छे ढंग से मतलब बुआई नहीं करेंगे, उसको खेत को जुताई नहीं करेंगे तो वो फसल बढ़िया नहीं होगा, उसी तरह से इस पर है, आप इसको रख रखाव खाना पीना मतलब ध्यान नहीं रखे देंगे तो ये भी उतना ग्रोथफुल नहीं हो पाएगा, हमेशा इसको अटेंशन में रखना पड़ेगा। खिलाने की क्या व्यवस्था है अभी आपके पास? खिलाने की व्यवस्था मतलब हम सूखा चारा में मतलब है आपका कट्टू मसूर वगैरह का मतलब जो है दलहन का भूसा है, और उसके साथ साथ मतलब हम अनाज देते हैं, अनाज में मतलब जैसे आपका मतलब मकई हो गया, गेहूं हो गया, ये सब का मतलब दर्रा बना करके टुकड़ा और भब्बी है, ये तीनों मिक्स करके मतलब उसमें हम उसको चारा खिलाते हैं, और हरा चारा का भी व्यवस्था हमारे पास है, नेपियर ग्रास हम लगाए हुए हैं, हरा चारा के तौर पे मतलब नेपियर ग्रास मतलब हम उसको देते हैं, और उसके अलावे मतलब हम जो हमारा चारागाह है तो वहाँ पे छोड़ देते हैं सारी बकरियाँ को जो कि अपना घास वगैरह चर लेती है। लगभग खिलाने का सर कितना खर्च आ जाता है अगर एक दिन की बात करें पर बकरियों के हिसाब से? यदि बकरियां को मतलब स्टॉल फीडिंग पे मतलब आप रखे हुए जैसे चारा वगैरह मतलब हरा चारा का बाहर व्यवस्था भी नहीं किए और ये सूखा चारा पे ही रखना होगा रखे हुए हैं तो मतलब मैं 18 से 20 रुपया के आसपास में मतलब प्रति बकरी कॉस्ट आपको आएगा। ये जो शेड बनाए लगभग कितना खर्चा है इसमें? इसमें शेड बनाने में हमको करीब 2.5 लाख रुपया लग चुका है जी। और शुरुआती में जो आप बकरियों को लाए तो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट बकरियों के ऊपर कितना हुआ? अभी मतलब बकरियां का मतलब जो कॉस्ट मतलब आ गया लगभग 1.5 लाख के आसपास में मतलब कॉस्ट आ गया इस पर। अभी जैसे देख रहे हैं कि उधर उस साइड में जो आपका है उधर बच्चे बहुत आपके पास आ गए हैं, तो जो शुरुआत जो आप इन बकरियों के साथ जो शुरुआत किए थे तो प्रेग्नेंट बकरियाँ थी या बच्चों के साथ किए थे वो बताइए? वो जब हम लाए थे तो कुछ पाठी भी इसमें भी मतलब थी, कुछ एडल्ट बकरी भी मतलब हमारे पास थी, और कुछ बर्बरी बकरियां हम खरीद करके लाए थे बाहर से दूसरे मतलब ज़िला से, तो वो बकरियां करीब करीब सारा प्रेग्नेंट मतलब ये थी तो हमारे यहाँ आकर के करीब 4 महीना 4.5 महीना में मतलब वो बच्चा दे दिया, और अच्छा ग्रोथफुल मैंने उसका बच्चा मतलब जो भी दिया तो हम उसको वेट किए थे तो 2.5 kg का मतलब वजन का उसका बच्चा बर्बरी का, जो कि आप हम ब्लैक बंगाल का मतलब करते हैं तो आपका हार्डली 1 kg वेट का मतलब ये होता है लगभग। अब आप हम बात करते हैं कि जैसे आपके पास अभी बर्बरी भी है, ब्लैक बंगाल भी है, कुछ सिरोही भी है, इन तीनों नस्ल में अभी तक एक वर्ष के अनुभव के आधार पर आपको क्या लगता है कि किसके साथ अगर किसान जो सामने से ऐसे हमारे युवा भाई हैं जो बकरी पालन करना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको आपके हिसाब से क्या सलाह दिया जाना चाहिए कि किस नस्ल के साथ वो करें वो बताइए? देखिए हमारे मतलब समझ से ये यहाँ पे जो जिस क्षेत्रीय जैसे आज हम लोग बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो हमारे यहाँ मतलब लोकल बकरियाँ मतलब ब्लैक बंगाल है, तो उसमें नस्ल को चुनाव करना होगा कि उसमें बड़ी बकरियाँ हो और अच्छी तंदुरुस्त मतलब भी हो, वो सबको सिलेक्शन करके मतलब यदि बकरी को पालन करें तो इसमें अच्छा बेनिफिट है। बड़ी बकरियाँ का कैपेसिटी मतलब बच्चा देने का तो 2-3 मतलब में होता है, उसके साथ साथ उसका दूध का भी मतलब ये होना चाहिए, तो इसलिए मतलब बड़ी बकरियां को मतलब पालें, और ब्लैक बंगाल एक अच्छी नस्ल की बकरी है और हमको इसमें सेल करने में भी किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होती है। अब जैसे आप बर्बरी बकरी है तो हमारे पास बर्बरी भी है, तो बर्बरी में सुंदरता में सबसे अच्छा बकरी वही है बर्बरी है, लेकिन उसका मार्केट में उतना मतलब नहीं, एक फार्मर ही उसको इस्तेमाल करते हैं,
एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मतलब हो जाता है, लेकिन ऐसे पब्लिक को डिमांड जैसे मतलब मीट बनाने के ख्याल से बहुत कम उसका सिलेक्शन करते हैं। और ब्लैक बंगाल में कितना भी बड़ा मतलब खसी हो तो उसको इजी वे में मतलब बिक जाता है और लोग पसंद करते हैं उसको ज़्यादा। मतलब आपके कहने का मतलब हुआ कि ब्लैक बंगाल में जो है वो जो ऊंची हाइट की जो बकरियां होती हैं उनके साथ फार्मिंग करें, थोड़ा सा समय लगेगा खोज वगैरह के करें, उसके साथ ब्लैक बंगाल के साथ ही करें लेकिन ऊंचे नस्ल में करें। जी 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 हाँ, उसमें है कि मतलब आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, समय लगेगा कहीं कहीं मतलब खोजने में, या मंडी में भी मतलब मिलता है तो मंडी से नहीं तो कहीं फार्मर जहाँ है मैं बकरी पाले हुए हैं वहाँ से आप जाइए और वहाँ से बड़ी बकरियाँ नस्ल का मतलब ब्लैक बंगाल में ही जो बड़ी बकरी मतलब जो आपको दिख रहा है उसी बकरी को सिलेक्शन करें और अपना इकट्ठा कर करके मतलब उसको पालन करें, उसमें बेनिफिट ज़्यादा है। लगभग आप एक वर्ष से ज़्यादा हो गया तो तीन मौसम आप काट लिए, तो ये इसमें मुख्यतः जो समस्याएं आती हैं रोग बीमारी की वो किस मौसम में आती हैं और उसका कैसे रोकथाम करते हैं वो बताइए। ये तीन मौसम में सबसे ज़्यादा मतलब बकरियां को मतलब बीमार होने का डर रहता है बरसात का मौसम। बरसात का मौसम आ गया तो मतलब बकरी पालक जो भी किसान भाई हैं वो सतर्क हो जाए। सतर्क होने का मतलब है कि उसको नमी से बचाएँ, सबसे बड़ी चीज़ है जहाँ बैठ उठ मतलब जहाँ उसको रखने का व्यवस्था है तो उस फॉर्म को आप सही ढंग से मतलब ही रखें, उसको नमी जो है मतलब मैं से बचाएं। और नमी मतलब उस वक्त बकरियाँ को उसी पे बैठेगा तो सर्दी होगा मतलब उसका दस्त होगा, लूज मोशन इसको हम लोग बोलते हैं। ये दो बीमारियाँ मुख्य रूप से मतलब इसका है। और एक एफएम मतलब जैसे होता है कि मुंह पका खूर पका तो वो बीमारियाँ मतलब जो है मुख्य तौर पे सर्दी होना लूज मोशन होना ये ज़्यादा मतलब नुकसानदेह है, खासकर बरसात के समय में तीन मौसम में। और बाकी ठंडा का है समय तो ठंडा के समय में उतना बकरी का मतलब में ये दिक्कत नहीं है, उसमें बीमारी भी बहुत कम होता है ठंड के समय में, सिर्फ ठंड से आप बचाइए। लेकिन बरसात के समय में है बहुत तरह का बीमारियाँ जो भी उत्पन्न होती है बरसात में ही होती है, इसलिए बरसात में सावधानी रखें। जैसे शुरुआती दौर में बकरी पालन लोग करते हैं तो शुरुआती दौर में समस्याएं आती ही हैं, सबके साथ आती हैं, आपके साथ भी आई होंगी, कौन सी सर समस्या आई वो बताइए। हमारे साथ वही बरसात में मतलब बरसात लास्ट जैसे मतलब अगस्त बरसात का समय लास्ट हो जाता है तो सितंबर अक्टूबर ये हमारा मतलब फॉर्म है, सितंबर लास्ट अक्टूबर फर्स्ट के आसपास वीक में मतलब ये बकरियां का मतलब बीमारी बीमार होना शुरू हो गया। उसमें हो गया कि सर्दी खांसी मतलब होना शुरू हो गया, दस्त होना शुरू हो गया, उस पर हम ध्यान नहीं दे पाए तो मतलब उससे इन्फेक्शन होते चला गया सारा, जो भी जो लूज मोशन कर रही है या सर्दी जिस बकरी को पकड़े हुए है वो भी पानी जहाँ एक स्टोर यहाँ किसी बर्तन में रखा हुआ है तो बीमार बकरियाँ भी उसी में पी रही है, स्वस्थ बकरियाँ उसी में भी पी रही है, तो उससे एक दूसरे से मतलब इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मतलब स्प्रेड कर गया। हाँ बढ़ गया और उस पर हम केयर नहीं किए, नहीं करने का मतलब नतीजा ये है ऐसा हुआ कि करीब करीब हमारा 14-15 बकरियाँ मतलब जो है एक्सपायर कर गई। हाँ सर, एक रफली आइडिया लोग जानना चाहते हैं कि लगभग अगर कोई 10 बकरियों के साथ या 20 बकरियों के साथ पालन करे, बकरी पालन की शुरुआत करे कोई 10 बकरियों के साथ या 20 बकरियों के साथ, लगभग सर अगर मुनाफा जोड़ा जाए तो लगभग कितना का रिटर्न उनको मिलेगा। देखिए ऐसे हमारे समझ से या हमारा जो अपना अनुभव जो कहता है अभी तक में जो हम अनुभव प्राप्त किए उसमें है कि जैसे आप एडल्ट बकरी यदि रखते हैं 10 ही बकरियाँ रखे या 5 भी जो भी रखना रख रहे हैं, यदि 5 बकरी रखे हुए हैं तो एडल्ट में यदि रखे हुए हैं तो उसमें अच्छे ढंग से उसको परवरिश कीजिएगा तो एक बकरियाँ का मतलब रखिए मिनिमम 2 बच्चा, वो एक साल में मतलब आपको 3 से 4 हज़ार के आसपास में ये बच्चा मतलब तैयार होगा तो 3 से 4 हज़ार में वो बिकेगा। तो मतलब एक बकरी पे आपको मिनिमम 6 हज़ार रुपया आपको प्रॉफिट आएगा यहाँ मिनिमम हम बता रहे हैं। हाँ मिनिमम बता रहे हैं, यदि वो 3 बच्चा दे दिया तो मतलब 8 से 9 हज़ार रुपया आपको एक बकरियाँ पे, तो सरप्लस कर दीजिए कि मतलब ये 5 बकरियाँ हैं, यदि 5 बकरियाँ भी मतलब उसमें से यदि आपको 3 भी दे दिया तो मालिक आप साल का जोड़ रहे हैं तो मोटा मोटी 8 या 24 मैंने 24-25 हज़ार रुपया मैंने आप 3 बकरियाँ में मतलब आपको प्रॉफिट तीन बकरी से। जी 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 जी। मेरा आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं देश विदेश से, अगर बात करें तो सऊदी अरबिया, कतर, संयुक्त अरब अमीरात,
तमाम ऐसे देश हैं जो यहाँ हमारे भारत के लोग, बिहार के लोग वहाँ जाके कमाते हैं, लेकिन अपने काम से वहाँ खुश नहीं है, कोई भी परिवार को छोड़ के दूर नहीं जाना चाहता है। यहाँ आके वो लोग बकरी पालन करना चाहते हैं, बकरी फार्म की शुरुआत करना चाहते हैं। तमाम हमारे वैसे व्यूअर्स को आप बकरी पालन के संबंध में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बकरी पालन में यदि आना चाह रहे हैं या मतलब जैसे दूसरे में धंधा से संतुष्ट नहीं है, और अभी हमारे गवर्नमेंट भी मतलब इस पर बहुत सहयोग के तौर पे मतलब दे रही है, या जो अच्छे किसान हैं वो अपना इन्वेस्ट करके भी लोग पाल रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें शर्मिंदगी महसूस ना करें। अब जैसे होता है कि अब हम ही पाले हुए हैं तो लोग बोलते हैं क्या है, बकरी पढ़ लेकर क्या बकरी पाल रहे हैं, इससे अच्छा धंधा था किसी और जानवर पाल लेते, तो उसको भी पालना ही होता है। अब यही अंतर है कि छोटी बकरी है और वो बड़ा सा मतलब जानवर गाय है ना, लेकिन मेहनत आपको वही करना पड़ेगा, खिलाना हो, चराना हो, धोना हो, ये सारा मतलब रख रखाव। तो इसलिए पहला इसमें मतलब हमारा कहना है कि सबसे प्रथम बार पालने के पहले इस चीज़ को मतलब इग्नोर करें कि कौन क्या कह रहा है। आपको बिजनेस करने के तौर पे मतलब आ रहे हैं कि हमको बकरी पालन करना है, तो शौक से आएँ, इसमें अच्छा बेनिफिट है। जो दूसरे से बिजनेस में हम समय जितना जो दे रहे हैं, यदि इसमें यदि उतना हम समय दें तो मतलब उससे ज़्यादा बेनिफिट इसमें आएगा। और जो भी पालक किसान भाई हैं या जो भी शिक्षित लोग यदि इसमें आना चाहते हैं, वो शौक से आए इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। जी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे मनिंद्र जी, जो कि काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर करके बकरी पालन के बारे में आप लोग को बताएं। सर बहुत अच्छे से इस फार्म को संचालित कर रहे हैं, और जैसा कि सर अभी बताए कि व्यवसाय व्यवसाय होता है, आप ये मत सोचिए कि ये बकरी पालन है, आप इसको एज ए बिजनेस लीजिए और अच्छे से कीजिए, समाज की परवाह को छोड़िए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी कोई हमारे से प्रश्न पूछने से रह गया हो या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब शीघ्र देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।